नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सत्येंद्र राय ने चौपाल में प्रधानमंत्री की उपलब्धियां गिनाकर जनता से मांगा वोट। आजमगढ़ जिला के गोपालपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने बिलरियागंज ब्लॉक के बलिया कल्याणपुर गांव में एक चौपाल को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कामों की उपलब्धियां गिनाई और योगी तथा मोदी की उपलब्धियां गिनाई। आम जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की बात कही। इस मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ इस्माइल फारूकी ने भी मुसलमानों से अपील किया कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्योंकि भाजपा में ही मुसलमानों की तरक्की है। आज तक किसी पार्टी के लोगों ने मुसलमानों की शिक्षा के बारे में नहीं सोचा, जबकि नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों के लिए मदरसों में शिक्षा का प्रावधान किया है और उनका सपना है कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, तभी मुस्लिम समाज के बच्चे आगे बढ़ पाएंगे और इनका भविष्य मजबूत होगा। न्यूज 9 भारत के लिए शिखा रावत के साथ रोशन लाल की खास रिपोर्ट। इस सभा में मौजूद हैं सभी लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं, बहनों के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या उन्होंने सपना देखा है और उसमें से बहुत से सपनों को उन्होंने साकार करके दिखाया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह।